अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम निस्बत व तनासुब सबक पढ़ रहे हैं। इस सबक के तहत हमने निस्बत की बहुत सी मिसालें हल की है। चलिए अब हम वहदानी तरीका किसे कहते हैं ये देखेंगे। वहदानी तरीके को समझने के लिए हम एक मिसाल देखेंगे, जिसमें सानिया के स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम यानी सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें उन्होंने सानिया और उसके दोस्तों ने मिलकर बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम पेश किया, जिससे खुश होकर उस्ताद ने उन्हें कलम इनाम देने का ऐलान किया। उस्ताद मार्केट गए, वहां उन्होंने बहुत सी दुकानों में कलम देखी। दुकानदार ने एक दर्जन कलम का सेट दिखाया। आपको मालूम ही होगा कि एक दर्जन यानी 12, एक दर्जन में कोई भी 12 चीज़ें हमें मिलती है, जैसे एक दर्जन केले यानी 12 केले, उसी तरह से एक दर्जन कलम यानी 12 कलमें। यहाँ इस सेट में 12 कलम दिखाई गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, 12 कलम की कीमत उस दुकानदार ने बताई 120 रुपये है, तो यहाँ उस्ताद को सिर्फ 7 कलम लेनी है। तो 7 कलम की कीमत उस्ताद मालूम करने के लिए कौन सा अमल करेंगे? चलिए अब हम 7 कलम की कीमत मालूम करेंगे। हमें 12 कलमों की कीमत पता है कि 120 रुपये है, तो आइए सबसे पहले 7 कलम की कीमत मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि 12 कलम की कीमत है 120 रुपये, तो 7 कलम की कीमत क्या होगी? चलिए अब इसे हम हल करते हैं। 12 कलम की कीमत बटे 7 कलम की कीमत बराबर 120 बटे क्या? फर्ज करेंगे कि 7 कलम की कीमत y है, 12 ज़र्ब y बराबर 120 ज़र्ब 7, 120 ज़र्ब 7 बटे 12 बराबर है 10 ज़र्ब 7 यानी 70। इसलिए 7 कलम की कीमत 70 रुपये होगी। क्या 7 कलम की कीमत मालूम हो जाने पर 1 कलम की कीमत हम मालूम कर सकते हैं? देखते हैं। अब हम 1 कलम की कीमत मालूम करते हैं। हमें मालूम है कि 7 कलम की कीमत 70 रुपये है, तो 1 कलम की कीमत क्या होगी? फर्ज कीजिए कि 1 कलम की कीमत y है, 1 कलम की कीमत बराबर 70 बटे 7 बराबर 10 यानी, इसलिए 1 कलम की कीमत 10 रुपये होगी। जब हमें एक से ज़ायद चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो हम ज़र्ब का अमल करते हैं, और हमें ज़ायद चीज़ से एक चीज़ की कीमत का मालूम करना हो तो हम तकसीम का अमल करते हैं। इसी तरह से हम एक चीज़ की कीमत से कई की कीमत और कई चीज़ों की कीमत से एक की कीमत मालूम कर सकते हैं, और इस तरीके को ही वहदानी तरीका कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।